उसमें एक चीज मैं साफ करना चाहता था, स्पष्ट नहीं हुआ ये कि शंकर जी भगवान के बड़े प्रिय हैं, हनुमान जी दूसरे नहीं है, शंकर जी ही हैं, बने हैं राम की सेवा से, वही गोपेश्वर महादेव बनते हैं कृष्ण लीला में, वो उन्हीं के अवतार भीम है, भीम भी अलग से नहीं हनुमान जी के ही प्रकाश है, आंशिक प्रकाश। तो शंकर जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, जब तक कृष्ण को राम को कोई विशेष काम होता है तो शंकर के बिना नहीं दूसरा कर सकता, जैसे समुद्र से विष निकला तो उसको पिलाने के लिए हनुमान उनको क्या शंकर की जरूरत है, शंकर जी ने वो पान किया विष और गले में रख लिया, कहीं शरीर भीतर में जाएगा तो वहां पर हृदय में तो भगवान हमारे हैं, उनको कष्ट होगा। उसी तरह से कलयुग के प्राण जबकि चारों तरफ में अनाचार अविचार इत्यादि बढ़ गया, धर्म का करीब करीब तीन भाग ही खत्म हो गए, उस समय में धर्म कर्म अब ठीक रहा नहीं, लोग भगवान की आराधना करते और उनसे देही देही पुत्रम देही जसो देही धनु देही बस ये मांग ही उनकी थी, भगवान ने कहा जिसे ये तो हमको तंग कर देंगे, हमको आराम नहीं कर देंगे, एक पैसे का बताशा ले आएंगे दे करके और मांगेंगे, बहुत दिन भर मांगते रह जाएंगे तो मुझे परेशानी नहीं होगा। इन्हें शंकर जी को बुलाया, कहा जी शंकर जी एक बात करो, मैं बहुत तंग आ गया इन कलयुगी जीवों से, वो दिन भर ये दो ये दो ये दो देही देही देही, इन्हें तुम एक ऐसा मत प्रचार करो जिसका नाम मायावाद है, जो ठीक तो नहीं है किंतु हमारे हमको छिपाने के लिए इसकी जरूरत है, तुम ये प्रचार करो मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलितम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, जितने बैठे हैं ब्रह्म है, पेड़ पौधे जो कुछ है जीव जंतु जो कुछ है वो सभी ब्रह्म है, अतः ब्रह्म की क्या जरूरत है, हम ही तो ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, इसलिए मांगने की उनसे कोई जरूरत, यदि ऐसा कर सकोगे तो ये भक्ति का तो विरोध होगा किंतु मैं बच जाऊंगा। शंकर जी ने कहा हमको सब समय ऐसा ही करते, मैं कहा भक्ति करके और दिन रात भगवान का स्मरण करके आनंद में मग्न रहता हूँ, राम राम दिन रात करता हूँ, और ये मुझसे कैसे होगा जब मैं भक्ति का वृक्ष हूँ, ये तो भक्ति के विपरीत, तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई कर भी नहीं सक सकता है, इसलिए बीज का प्याला लेना पड़ेगा पहले की। तो प्रभु जी का मन रखने के लिए शंकराचार्य के रूप में जगत में आए, आज से करीब करीब 2500 वर्ष पहले, और उन्होंने बौद्धों को यहाँ से विश्व से हटाने के लिए इंडिया से और यह हुकूमत प्रचार करने के, उन्होंने कहा उन्होंने वेदांत के से बनाए, बहुत से ग्रंथ लिखे और बड़े बड़े पंडितों को भक्त जो नहीं थे कर्मी ज्ञानी उनको परास्त किया और परास्त करके बौद्धों को भारत से भगाया और ये मत नया चल क्या सभी ब्रह्म है, सोहम सोहम किंतु है ये भक्ति का विपरीत, कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान अधिक से अधिक शुद्ध होकर के भगवान की सेवा में नियुक्त तो हो सकता है। तो शंकर जी ने ये विस्मय देख लिया, ये पल बतलाने का मना था जो और किसी के द्वारा नहीं,
जब जब जरूरत होती है शंकर जी को बुलाते हैं और शंकर जी से ऐसे असंभव बातें भी करा देते हैं। ये कल का कहने का हमारा था। उन्होंने जो मत प्रचार किया वो ठीक नहीं, वो भक्ति के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, भागवत के विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है। गीता में, उपनिषदों में, भागवत में कहीं नहीं लिखा कि जीव ब्रह्म है, भगवान का दास्य है। इसलिए ऐसे विचार शंकराचार्य जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, वो शंकर हैं, किंतु उनका यह विचार ये भक्ति के विपरीत है। वो कुछ लोगों को मिसगाइड करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अब हम सीता जी के चरित्र, कल हमने कई कई मैया की बात बताई, सुनते हैं कि वो पृथ्वी की बेटी थी, किसी के योनि से गर्भ से नहीं आई, स्वयं लक्ष्मी जी। तो पृथ्वी की बेटी कैसी हुई इस जगत में प्रकट लीला के लिए? तो पृथ्वी की बेटी है, किंतु पृथ्वी की बेटी नहीं, पृथ्वी सब की, वो लक्ष्मी की लक्ष्मी है, मूल है। तो जिस समय रावण का प्रताप था, बड़ा भारी दिग्विजयी हुआ, ब्रह्मा से उसको वर मिले और शंकर जी से वर मिले, कोई उसे मार न सके, उसके 10 सील हुए और कोई मारेगा तो वो मरेगा नहीं, फिर उसके शरीर सील निकल आए, अत्याचार करने लगा, विशेष करके बहु बेटियों पर, जैसे आजकल हो रहा है ऐसे, उससे भी अधिक अत्याचार होने लगा, वो अधिक करने लगा। जहां नाम सुने जी यहाँ पर खूबसूरत किसी की स्त्री है, बेटी है, बहू है, तो उसे चुरा लेता, लंका में ले जाता। तो एक समय उसी के कुबेर जी के लड़के की कोई बहू थी, उसको पकड़ लिया, पकड़ा था उसने, अब अभिसंपात दिया, श्राप दिया, बिना किसी इच्छा के, उसके बिना राजी ना मांगे, बिना उसकी इच्छा किसी का भी, लड़की का, बहू का, बेटी का, यदि स्पर्श करेगा तो तुम्हारा शरीर मुड़ जाएगा, फसल मर जाएगा। इसके बाद में वो कुछ सावधान हुआ, फिर विश्व का विजय किया। अब इसीलिए सीता जी को स्पर्श नहीं किया, मैं तो जल करके खाक हो जाता वो अभिसंपात से। तो वो रावण जब अत्याचार करने लगा तो उसने ऋषियों के पास में, दंडकारण्य और इधर उधर ऋषियों के पास में दूध भेजे कि हमें कुछ कर दो, राजा मैं हूं उस देश का, इसलिए कर चाहिए, तो कुछ भी नाम मात्र के लिए तो कुछ कर चाहिए ही। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, हम फल फूल यहाँ पर जंगल से पत्तियां खाते हैं, मूल खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, हम आपको कहां से मंग कर देंगे। तो उसके लोगों ने बतलाया जैसे तैसे, यदि कुछ नहीं है तो अपना जंगा चीर करके रक्त भी दो। कठोर आदेश पाकर उनको बड़ा क्रोध हुआ ऋषियों को, अपनी जंगे चीर चीर करके सब लोगों ने एक घड़ा भर पिया और रावण के पास में वो दूध ले गया। उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कहा है यही जो घड़ा है जिसमें हमने दिया है रक्त, यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, कोई उसे टाल नहीं सकता। जब वो ले गए तो वो लोग मंदोदरी के पास में पहने और उसको बतलाया जी ऐसा ऐसा बात। उसने कहा जी तब तो बड़े भयंकर बात है, अब इसको बहुत दूर पहाड़ की तलाई में कहीं दूर में इसको लेकर के जमीन के अंदर में गाड़ दो,
ये कभी कोई निकाल न सके और कभी हमारे पति का अनिष्ट न हो। मैंने अपने दूतों को भेज करके हिमालय के पास में जनक जी के राज्य में हिमालय है उसकी तराई में कहीं नीचे लेकर के गाड़ दिया। जब गाड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद में वहां पर सूखा पड़ा। सूखा जानते हैं? असाही नहीं हो बरसात हो, चारों तरफ में हाहाकार मची है, जो पानी नहीं। उन्होंने विचार किया ब्राह्मणों और ऋषियों से विचार किया क्या करना चाहिए, पानी नहीं हो रहा, प्रजाएं बड़ी कष्ट पा रही है, बड़ी मुश्किल से अब तक जो कुछ भी पानी था वो सूख गया, खेती बाड़ी कैसी होगी, लोग कैसे जीवित रहेंगे। ऋषियों ने बतलाया ये बात कीजिए, आप हल पकड़िए और आपकी पत्नी हल को चलाए खेंचे, इस क्रिया से हम लोग मंत्र पाठ करेंगे और इससे वर्षा जरूर हो। उन्होंने सब ऋषि वासियों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और उन लोगों ने व्यवस्था की, एक सोने का हल बनाया, उसमें एक थाल होता है जो कि जमीन में चलता है, दो अंगुल का होता है तेज धार का, और उसमें सुनैना को अपनी पत्नी को खींचने के लिए लगाया और भी लोगों को लगा दिया, वो खींचने लगे और ये चलने लगे, वेद मंत्र पाठ होने लग गया, शंख और घड़ियाल ये सब बजने लग गए। थोड़ी देर में ही वो हल अटक गया जमीन में, उसका जो आकार का भाग है एक घड़े में घुस गया, उसी घड़े में रक्त वाला घड़ी में घुस गया और फिर लोगों ने मिलकर के उसको जोर चलाया तो वो घड़ा जमीन से निकल गया। तो ये कि हम आई तरह में बड़ी जोर से आंधी तूफान के साथ में बड़ी जोर से बरसा आरंभ हो, उसमें से देखा क्या, एक सुंदरी छोटी सी बच्ची निकल गई, अपने अंगूठे को कभी पान करती है पैर के और कभी कभी ऐसे करती है, बड़ी खुश है। देखकर के महाराज जनक जी ने पहले उठाया और अपनी गोदी में, ये मेरी बेटी मेरी बेटा, बेटे बेटी तो थे नहीं, अब ये मेरी बेटी है, और उन्होंने सुनैना जी की गोदी में, ये तो उनका जन्म था। है तो जब साकेत की अयोध्या की लक्ष्मी जी, किंतु जब इस जगत में आती हैं तो इस प्रकार से अभिनय करते हुए आती है। अब ये सीता जी साधारण तो है नहीं, धीरे धीरे दिन दिने रात चौगने बड़ी सुंदर अलदेली के रूप में बढ़ने लगी। इनके पिताजी के पास में काशी में एक बहुत बड़ा भारी धनुष रखा था, कौन सा, जिसको दधीची के हाथ से बनाया गया था वज्र, और इंद्र ने उसी वज्र से दित्यासुर को मारा। तो उसका कुछ भाग जो बच गया था उसे ये धनुष बना था, तो ये भी वज्र का धनुष था, साधारण था नहीं, वो वहां पर रखा था, इतना भारी था कि हजारों लोग मिलकर के उसको उठा नहीं सकते थे, और इंद्र ने उसे उठाया था, तो वो वहां पर रखा था, शंकर जी का धनुष था वो वहां पर रखा करके पूजा रोज होती। सीता जी एक दिन उस धनुष को बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया और उसको लीप पोत करके उसको रख करके उसकी पूजा कर दी। पिताजी कहीं गए थे बाहर, उन्होंने कहा जी तुम पूजा कर लेना बेटी, तो उसने बाएं हाथ से जट उठा लिया, उठा करके उसको दीपोत करके फिर रख करके उसको पूजा इत्यादि कर दी। उनको पता लग गया हमारी बेटी ने तो इसको उठा लिया और इसकी पूजा की, तो बोले उसी समय अब वो
बीस इक्कीस वर्ष की हो चुकी थी, पूर्ण जौवन उसका हो गया था, बड़ी सुंदर। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, इसकी शादी तो हमें करनी है किंतु ऐसे तैसे लोगों से नहीं करेंगे, ऐसे लोग से हम करेंगे जो इस धन को उठा कर इसकी पत्तनिचा को चढ़ा दे। सुन करके देश विदेशों से हजारों लोग आने, देवता लोग भी मनुष्यों का रूप धारण करके राजकुमारों का वहां करके उठाने लगे उठे। रावण जी ने रात को, एक दिन रावण रात में आया, पहले लोगों के सामने नहीं, चोरी छिपे हम उठाए और फिर पीछे जब उठ जाएगा तब शादी कर लेंगे। बड़ी सुंदरी लड़की है सुनते हैं, रात में आया तो थोड़ा सा उठाया तो वो झक उसी के नीचे दब गया, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से उठा, वो भी तो बलवान, वो भी किसी प्रकार से उठा, फिर नहीं आया, कान पकड़ लिया कि हमको नहीं जाना है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महिपाल सब आए, कोई नहीं उठा। गांव घर के लोग कहने लगे ये क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की, अब तो कोई संसार में ऐसा है नहीं कि उसको उठा करके पत्तनिचा चढ़ा दे, क्या सीता जी कुंवारी रहेगी, तो वही है सोई, कई होगा जो होना है, और हम चिंता नहीं करते, वो भी तो साधारण नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। अब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेकर के मारीचि का वध करके और गंगा पार करके आ रहे थे इधर ही, और विश्वामित्र जी जानते थे ये ऐसा होना है, वो भी बहुत भविष्य जानने वाले सर्वज्ञ ऋषि थे, भगवान के परम भक्त थे, वो इसी नाते उन दोनों को लेते हुए बहुत से ऋषियों को साथ में लेते हुए आ रहे थे। जब गांव के निकट में कहीं आए तो एक पत्थर पड़ा था, बड़ा सुंदर और चारों तरफ में बड़ा सुंदर बाग बगीचा था, किंतु कोई आदमी नहीं था, एक पत्थर पड़ा था। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसको अभिशाप, अभिशाप है, गौतम ऋषि इसके पति ने इसको अभिशंपात दिया, जानबूझ करके चंद्र का संग किया, इसलिए सब शिला के रूप में आप थोड़ा सा स्पर्श कर दीजिए। उनके कहने से स्पर्श करते ही चरणों से जो ही स्पर्श कर दिया, बड़ी सुंदर रही वो बन गई अयोध्या। फिर उनके पति आए और फिर उनको लेकर के गए पवित्र होने के बाद। जनकपुर में पहुंचे, महाराज जनक ने बड़ा उनका आवभगत किया, स्वागत किया, उनको स्थान दिए एक बगीची में, काशी में, वहीं पर नगर से बाहर में, नगर से निकट ही वो रहे। थोड़े दिनों, थोड़े दिन के बाद में राम और लक्ष्मण गए बगीचे में टहलने के लिए और अपने गुरु जी के लिए पूजा के लिए पुष्प चयन के लिए। वहां पर सीता जी सहेलियों के साथ में भवानी पूजा के लिए आई, इसलिए भवानी पूजा, भवानी की पूजा करने की हमको, और देखी कि राम और लक्ष्मण वहां पर उसी बगीचे में पुष्प चयन कर रहे, बस दो आंखें और दो आंखें प्लस चार आंखें हो गई, आंखें हम भी दोनों दोनों के नैनों में बस गए। राम ने कहा लक्ष्मण जी से मुझे धिक्कार है, क्यों धिक्कार है, प्रकुल की रीति ऐसी आई है कि इनका मन कभी किसी में नहीं जाता है, आज भी उस राजकुमारी को देखकर के मन में ऐसे क्यों न चले कि वो मोह है। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात सत्य होने को है, इसलिए आपकी शादी यहीं पर किसी से होगी, हमको तो ऐसे ही सूचना आंखें फड़क रही है ऐसा मालूम होता है। इसके बाद में तो सीता जी के हृदय में बस गए ये राम, और राम के हृदय में भी बस गए। और फिर दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने उनसे कहा राम से ये चलो जरा धनुष यज्ञ तो देखाएं, और महाराज जनक ने निमंत्रण किया कि हमने ये अबोध स्थिति में हमने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, अपने बच्चों को आप हम धनुष को दिखलाइए, बस धनुष दिखलाया और राम ने क्या किया, लक्ष्मण की तरफ में इशारा किया,
लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबा दिया, हिले नहीं, उसका संबंध नीचे से हो गया। जब ही उन्होंने संभाल लिया लक्ष्मण जी, वो इसी की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से सारा विश्व टिका हुआ है। राम ने एक सेकंड के अंदर में लोगों के देखते और न देखते ही पलक लगते ही धनुष उठाया, उसमें प्रत्यंचा दी और ऐसा करना तो विश्व टूट गया है। बस बड़े छाप से सीता जी का विवाह हुआ। रास्ते में परशुराम जी मिले, जाने से समय बड़ी रगड़ हुई, उनकी सारी शक्ति उन्होंने ले ली वहां पर। अब सीता जी पहुंचे कैकेयी, बड़े आदर के साथ में पहले बहू के रूप में उसको सम्मान करके अपने कनक भवन में स्थान दिया। यहाँ तक तो ठीक रहा, अभी तक तो दिन बड़े सीता जी के बड़े अच्छे हैं। कभी दिन आते हैं और कभी दिन आते हैं। लक्ष्मी देखो जगत में आई हैं शिक्षा देने के लिए, उनको दुख सुख नहीं है, उनके लिए तो एक सेकंड का भी ये बात नहीं है उस लोक के, किंतु यहाँ के लिए वो वहां का एक सेकंड यहाँ के कितने जुग जुग के बराबर हो जाता है। भगवान एक मिनट के लिए वहां से उतर करके लीला करते हैं, हम लोगों को मालूम होता है 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी ने, कृष्ण 125 वर्ष तक, किंतु उनके लिए एक क्षण का एक क्षण का एक क्षण भी है वहां की दृष्टि से। इसके बाद में राजा के अभिषेक की बात मैंने बतलाई, उसमें सीता जी रानी के रूप में बैठने वाले, और एक दिन ही पाशा पलटा और फिर हो गया क्या बनवास, घर में रहना स्वीकार नहीं किया राम ने, और सब लोगों ने समझाया सीता जी को, वो मानी नहीं, हम दुख में सुख में सब समय उनके साथ रहकर फिर सेवा करने की अंत में उनकी बात पतिव्रता हो तो कैसे सीता जी से। आजकल थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, बस तलाक तैयार है कोर्ट में, थोड़ी सी बात पर भी अनबन हो गई है बस तलाक, और नहीं तो तलाक नहीं हुआ भी तो पति के साथ में नहीं रहेंगे या स्त्री के साथ में है, वो अपना अलग रहे कमाए खाए और हम अलग रहे, विशेष करके विदेशों में तो एकदम जीवन सुखी नहीं है किसी का। विवाह करना लड्डू, दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया, ये ऐसे है दिल्ली का लड्डू है, कहीं सुख नहीं है। क्यों जब विवाह कर लिया तो क्यों किया, पीछे पछतावा होता है, अब विवाह नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सीता जी वन में गई, यहाँ भी सुना सब, और भी बहुत सी बातें बतलाया, ये भी बतलाया कठोर परीक्षा जिसमें दंडकारण्य में ये लोग गए। राम ने कहा सीते तुम तो हमारे हृदय में सब समय बसते, और मैं कुछ जगत की लीला करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको कहीं अलग से रख दें, अलग होना संभव नहीं है, ये भी जगत की बाहरी दृष्टि से अग्नि को सौंप दिया है कुछ दिनों के लिए सीता जी को अपने पास। अभी हम लोग वहां गए नैमिषारण्य में, तो देखा एक पताल में ऐसी जगह अभी बनी हुई है जिसमें अग्नि को रामचंद्र जी ने सीता जी को समर्पण कर दिया और माया सीता बना दी माया की, और उसी से सारी लीला हुई। असली सीता जी को स्पर्श नहीं कर सका राम, कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता है, भक्त तो उनके चरण कमलों का दर्शन करते हैं स्पर्श कर सकते हैं और कोई नहीं। हनुमान जी जिनको स्पर्श नहीं किया, बस माते माता जी माता जी बस उनके चरण में। जब मारा सबको और फिर मारीची को के वजह से उनका अपहरण हुआ, तो किसका अपहरण हुआ, माया सीता का है। सीता जी कहाँ है, अग्नि में नहीं है, अग्नि में तो जैसे ऊपर के लिए शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्ति शक्ति मतलब एक ही है,
किंतु भगवान की शक्ति रूप धारण कर लेती है, हमारी शक्ति कोई भी रूप नहीं धारण करती। कारण की सब शक्तियां हैं, सोचने की, विचारने की, चलने की, देखने की, ये सब एक एक रूप धारण कर सकती है। लंका विजय हुआ, लंका में विजय के पश्चात जब आई राम के पास में, राम ने कहा बहुत अच्छा हुआ, आप पैदल पधारिए, जैसे कि ये कपी भालू बंदर सभी आपको दर्शन कर सके, आपके लिए इन्होंने जीवन दान किया। पैदल पालकी से उतर करके नीचे आए, जब एकदम निकट में आ गई, अभी जाओ उधर चलो, बोले रामचंद्र जी गंभीर होकर के, अब आप जहां से आई हैं वहां जा सकती हैं, अब हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, रावण के घर में रहकर और फिर वहां से आना मैं नहीं स्वीकार सकता, मैं अपनी अन्न के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुल की मर्यादा के लिए मैंने युद्ध लड़ा, आपके लिए नहीं, तो मैंने उसे जीत लिया है और हम लोगों का मर्यादा ठीक है, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, मैं कामी पुरुष नहीं हूं, बनबन ने तुम्हारे लिए कामी होकर के नहीं रोया, अब जा सकते। सीता जी ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, सब कुछ दे दीजिए तो सब कुछ दे करके नंगे हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं कोई मांगेगा, नेता पधार जन पधार। क्या कहा, बक्सर आम लाने के लिए लड़ाई की, मैंने कहा मुखर होकर के कहा, तो पहले आपने क्यों नहीं, ये कौन बातचीत कर रही है, माया सीता मायावती, अभी अशोक सीता जी पर्दे के पीछे हैं, लक्ष्मण हमारे लिए सीता बनाओ, और सीता बनाया, राम की तरफ देखा, राम गंभीर होकर के बैठे हैं, किस लिए दिखला रहे ऊपर से, सोचा कि इसी बहाने से सीता जी को ग्रहण कर, सीता जब बन करके तैयार हो गई तो सीता जी उसमें बैठ गई और ध्यान किया आग में, किंतु वो सीता लोग बन गए और उस आग में से अग्नि देवता निकल करके सीता जी को लेकर राम स्वर्ग बोले, सीता जी परम पवित्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ, वायु देवता है, बोले जैसे मैं सर्वत्र जाता हूँ विचरण करता हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं है मैं नहीं आई, मैं सर्वत्र जाने की वजह से जानता हूँ सीता जी को, इसमें महाराज दशरथ वहां से अपने धाम से आए, बोले सीता पवित्र है तुम इसे ग्रहण, ऋषि महर्षि सब लोग आकर के बोले तो फिर उनको ग्रहण, यहाँ तक तो ठीक है, अयोध्या में लौट आए, 11,000 वर्ष राज्य किया, अंतिम मान लो कि 2-4 वर्ष पहले तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मेरा मन नहीं लगता, तुम उसको यज्ञ करना चाहिए, और क्षत्रिय राजाओं का ये जरूरत है, आवश्यक है उनके लिए यज्ञ करना, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ अश्वमेध यज्ञ, आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं, आपने स्त्री को त्याग कर दिया इसलिए आप अधिकारी नहीं है, फिर भी गुरु जी हम पर दया करके यज्ञ कराएंगे, सीता जी को बुला लाओ, हम जानते हैं ये कहाँ है, तो ऐसा मत कीजिए, मैं अब सीता जी को नहीं बुला, फिर दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए 1,000 स्त्रियां राजी हैं, राजकुमारियां तुमसे शादी कर, तुम शादी करो, ऐसा कभी जीवन में नहीं कर सकते, फिर क्या, हमको जो हमको जरूर करे, कोई उपाय नहीं करे, उन्होंने कहा एक बात करो, सीता जी की सोने की मूर्ति बनाओ प्रतिमा, और उनके साथ उनको बाएं रख करके यज्ञ करो, ठीक है मैं इसको राजी हूं, सीता जी की मूर्ति बनाई गई और यज्ञ करते थे,
हजारों ब्राह्मण, हजारों ऋषि महर्षि और सब संसारी लोग नैमिषारण्य में ये हुआ था, गोमती नदी के किनारे छत्र के छत्र चल रहे थे। छत्र मैंने कहा जहाँ पर भी खाना इत्यादि बनता है बढ़ता है, ये सब ऋषियों को सब दान दक्षिणा सब दी जाती थी और यज्ञ होता था सवेरे शाम को और दोपहर में समय खाली रहता था उसमें बैठ करके पुराण पाठ इत्यादि ब्राह्मण लोग करते थे, ऋषि महर्षि लोग करते थे, सब लोग सुनते। उसी समय में वाल्मीकि ऋषि के दो शिष्य सीता जी के पुत्र राधे 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 जय जय श्री राधे करके रात होने आई अब तने कहां से घूम करके आ गई, मैं नहीं कहता। ऐसे दो एक जगहों में सुना उनके दूतों ने और राम को बताया, वो मेरे दिल को खाना खुशी राज्य में चल रही है। इसलिए लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम उसे जंगल में कहीं छोड़ो। उन्होंने कहा कि सीता चाहती थी ऋषियों की पत्नियों से मिलना, उनको कुछ कपड़े लत्ते उपहार देना, आभूषण ये सब गठरी बना लो और इसी बहाने से ले जाकर और अयोध्या से दूर प्रयाग में, इलाहाबाद जिसको आज कर सकते हैं प्रयाग में, वहीं पर उस पार ही छोड़ दिया नदी से पार करके। और ये गकर जब सुनी लक्ष्मण जी से कि हमको सदा के लिए छोड़ दिया है हमारे पति ने, तो डकर डकर करके उन्हें उस समय गर्भवती थी और उन्हें जब लगी तो वाल्मीकि जी आ गए, रामायण लिख रहे हैं और यहाँ तक ही लिखे हैं, अब लिखते जा रहे हैं। अब सीता जी को अपने आश्रम में रखा, वहीं उनके दोनों बच्चे हुए लोग अब धीरे धीरे बढ़े। सीता जी किसी प्रकार से उन बच्चों में अपना स्नेह रख करके पालन पोषण के धनुष सिखलाना और जो छत्र उचित गुण है वो सबको सिखलाने लगी और वाल्मीकि जी उनको काव्य छंद इत्यादि स्वर राग रागिनी युद्ध विद्या सब विद्याओं में निपुण कर दिया। जब वो छोटे से बच्चे थे 10-11 वर्ष के, दोनों जमज थे, एक ही दिन एक ही रात में उत्पन्न हुए लव और कुश। अब जिस समय राम की वहां पर असल में यज्ञ गोमती के किनारे नैमिषारण्य में कर रहे थे, उस समय वाल्मीकि जी ने कहा से जाओ सुनते हैं कोई राजा आए हैं और उनके सब हजारों लोग ऋषि महर्षि सब आए हैं, तुमने जो वाल्मीकि रामायण जो मैंने बनाई है छंद के साथ राग रागनियों के साथ मुच्छना ऊपर नहीं जाकर के ऊपर और नीचे के और बड़ी सुंदर सुंदर तरह तरह के स्वरों से आलाप से सब लोगों को मुक्त कर जाना चाहिए तो सुना करके। तो उन्होंने उन लोगों को रावण बत्ता का सारा चरित्र पढ़ा दिया और उनको कंठस्थ तथा वाल्मीकि रामायण
उसको स्वच्छंद से गाया जा सकता है। बच्चे देखने में कैसे, राम से भी अब सुंदर, अब राम तो कुछ परिणत वयस के 11,000 वर्ष की उम्र हो गई, किंतु उनको गोफ नहीं आई, दाढ़ी नहीं आई। ये भगवान का एक वैशिष्ट्य है, लक्षण है। आजकल के बहुत से भगवान हो रहे हैं, विशेष करके भारत में हजारों भगवान, और वो टीबी से, कैंसर से और तरह तरह के भगंदर के रोग से मरते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, ये सब पक जाते हैं। अरे भगवान को ऐसा नहीं है, भगवान का लक्षण ही नहीं। और मूर्ख ऐसे लोग, या ऐसे लोगों को भगवान कैसे मान लेते हैं। अभी वो भगवान जेल में गया है लोगों को धोखा देने के वजह से। एक साई बाबा कोई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी लिया, आप लोग सावधान रहे, जितने भी भगवान है उनसे असावधान रहे, भगवान ऐसे नहीं है। उसके लक्षण शास्त्रों में उसका वर्णन होता है, तभी वो भगवान है। उनमें ऐसे विशेष विशेष चीजें होती हैं, उनमें ऐश्वर्य ऐसा होता है जो कि अलौकिक होता है। जैसे तैसे लोगों को सिद्ध महात्मा मत मान लेना, लोगों का अवतार भगवान का अवतार नहीं है, शंकर के अवतार नहीं है, हनुमान जी के अवतार है, मत मानना। महापुरुष है ठीक है, महापुरुष के ऊपर, भगवान के लक्षण तो पहले ही बतला गए हैं और उसका पूरा वर्णन है, जैसे इतने आएंगे इतने होंगे, ये सब शास्त्र में पूरा है। अभी कल के आएंगे उनके लिए भी बतला दिया गया, बुद्ध जी के आने के पहले ही ये सब बतला, कृष्ण के आने के पहले ही ये सब है। इसलिए कभी भी फिर मत पढ़ना चक्कर में, शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना और शास्त्रों पर विश्वास करना, गीता भाग करना। तो वो उनको कहा, और दोनों बालक तो राम तो थोड़ा प्रौढ़ हो गए हैं और इनकी उठती उम्र है वयसंधि की, बड़ी खूबसूरत कोमल शरीर, गला कैसा सुरीला, राग रागी से भरा हुआ। शायद रामचंद्र जी ने ये गान की संगीत की शैली कहीं से शिक्षा नहीं उनको मिली, इनको तो इन्होंने बाली की ये मिली है, सारे शस्त्रों की सब कुछ। वो दोनों गए, सिर पर शिखा वो जो जुड़ा होता है उसको बांध दिया ऋषि मासी जैसे, और कपड़े किस चीज के, तंतुओं के, बलकल वस्त्र पहन लिए, इतने ही खूबसूरत, और बिना लेते हुए दोनों और राम चरित्र गान करने लगे। जब आरंभ किया सब लोग देख करके रोने लगे, कौशल्या मैया, सुमित्रा, कैकेयी और हनुमान, जामवंत और जितने वहां के भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सब लोग थे। अरे बहुत, ये तो यदि छोटे नहीं गाते बड़े तो ये राम इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है, इतना सुरीला गाते हैं। सभी लोगों के आंखें डबडब आ गई, रोने लगे, यहाँ तक कि राम लक्ष्मण भी रोने लगे। उन्होंने एक सर्ग की कथा सुनाई और इसके बाद में शाम हो गई तो चलने लगे, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा, इसको कुछ इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा करो, सोने के थाल में हीरे मणि जवाहरातों से भरी हुई और खजाने की तरफ से, और एक बात करना, इसे पूछना तो जरा तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारी भैया बाप कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, जरा ये पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, बड़े प्यार से दोनों को प्यार किया, बोले वाह तुम तो बहुत गजब के लड़के हो, ये पहले तो मैं तुमको पुरस्कार, राजा रामचंद्र जी ने पुरस्कार दिया, किंतु अभी तक वो नहीं जानते थे कि हमारे ये पिता है और मैया हमारी सीता जी इनकी पत्नी, तो बस कथा ही तक तो अभी तक जानते थे। तो उन्होंने कहा जैसे ये तुम भाग लो, हमें क्या है इसकी जरूरत, वासी जी के आश्रम में, हमारे गुरु के आश्रम में रहते हैं, केले अमरूद आम सब मिल जाते हैं, कोई बर्तन की जरूरत नहीं, पत्ते केले और ये सब के हैं, पानी के लिए तंतुओं के कपड़े बने हुए हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है।
ये तो राजकोष में ही सुखा पाएगा, इसलिए हमको ये जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि रुपये ले आओ पैसे ले आओ, इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो और भी कुछ प्रभावित हुए, धीरे से बोले जी बेटे ये तो बतलाओ तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पिताजी और माताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। जैसे मैं तो समझता था जो आप महाराज के भाई हैं, सब नीतियों में कुशल हैं, किंतु मैं देखता हूं कि आपको नीति नहीं आती, छोटा सा बच्चा मुझसे। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों से गुरु का नाम पूछना चाहिए, हम ब्रह्मचारियों से माता पिता का नाम जो पूछते हैं उनको धर्म का शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो हम आपसे बतलाते हैं कि हम वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं, मैं इनकी का छात्र और यही हमारे गुरु, और दूसरा हमारा कोई परिचय नहीं। आप लोग भी हमारे ब्रह्मचारियों से सन्यासियों से मत पूछिए आपका घर कहाँ था, आपके पिताजी कहाँ थे और कौन से जाति में थे, आपके पिताजी क्या थे, भैया खबरदार। और वो भी यदि बेवकूफ है, यदि वो ये सब बतला पर बेवकूफ, उनका सन्यास ब्रह्मचार्य भी ठीक नहीं है। पूछो गुरु का नाम पूछो, हम लोगों की गुरु परंपरा चलती है, शिष्य परंपरा चलती है, वो माता पिता का परंपरा हम लोगों ने वही पसंद, हम जानते हैं कि कोई किसी का पुत्र इस जगत में नहीं। ये सब क्या है, एक दिखलाने के लिए, ये कुछ लौकिक परिचय है, परमार्थिक परिचय गुरु देता है, और हम कृष्ण के नित्य दास दासी हैं, यही हमारा परिचय है। किंतु अभी हम हमारे गुरु वो हैं सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए, और गृहस्थों के लिए जैसा चल रहा है चल, किंतु सन्यासी ब्रह्मचारी का लक्ष्मण जी छेदते सोचा जी तो तब निकलती। भैया कह रही है जैसे हो न हो, ये हमारे नाती होते अब तक तो सीता जी को उसमें गर्व था, जरूर न जरूर ऐसे ही राम को भी विश्वास हो ये हमारे बेटे हैं, और सारी अयोध्या को भी विश्वास हो गया, दूसरे नहीं हुए। रामचंद्र जी ने उस समय वाल्मीकि जी को बुलाया, बुलाकर बोले महर्षि एक बात है, मुझको जहां तक संभव लगता है मेरी सीता जी आपके घर में है, आपके आश्रम में है, आप कल यदि उनको इस सभा में इसी समय में यदि आप लाएं तो आपका उपकार मानूंगा, उनसे कहेंगे जब वो संकोच न करें आप उनको लेकर के आएंगे। अब वाल्मीकि जी गए वहां, अभी बात ही हो रही थी इतने में लौकुश वहां पर पहुंचे, आज बहुत विलंब हो गया था इन सब कारणों से, शाम में सीता जी अपने बच्चों के लिए राह देख रही थी, जब वो आए तो दोनों बेटों को अपने गोदी में बैठा, अरे बेटा आज बहुत देर करते हैं तुमने, क्यों देर हो गई, ओ भैया आज एक बात हमने देखी, देखी हमारे गुरु जी के आदेश से हम लोग रामायण पाठ कर रहे थे, इसके बाद में हम लोगों ने देखा क्या, एक बड़ी विचित्र वहां पर एक सोने की मूर्ति हमने देखी, वो